दिल्ली के अंदर जीने के हालात बहुत खराब हो गए हैं और पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है। दिल्ली का AQI बुधवार को गंभीर श्रेणी में बना रहा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की कि राज्य सरकार के 50% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली NCR का AQI गंभीर श्रेणी में है। बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 423 था, जबकि शहर का सबसे प्रदूषित इलाका मुंडका जहां पर 464 AQI रहा। इसके बाद वजीरपुर और अलीपुर में 462 था। इस दौरान IGI एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी 800 मीटर तक ही रही। गोपाल राय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है, जिसमें 50% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके कार्यान्वयन के लिए आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के चलते पहले से ही ग्रैप फोल लागू है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनसे पूछे बिना दिल्ली से ग्रैप फोर को ना हटाया जाए। इसी बीच मंगलवार से ही दिल्ली के कई सारे स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, साथ ही 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि JNU और DU में भी सारी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर कर दिया है। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो जो काम हो सकता है हम कर रहे हैं, सितंबर से हम लगे हुए हैं, लेकिन आज जो इमरजेंसी सिचुएशन बनी है उसमें आज भी हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार इस तरह से मौन व्रत धारण नहीं कर सकती, इस तरह से लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, एक मीटिंग नहीं कर सकती है केंद्र की सरकार। इसका मतलब क्या है कि लोगों को प्रदूषण की मार को झेलने के लिए वो भगवान भरोसे छोड़ करके चुप सो गई, उसे करना पड़ेगा मीटिंग। सर इतने परेशान है, ये आंखों में जाने किसी ने मिर्च डाल दी, ऐसे करके मिर्च लगती है आंखों में, आगे मिचती है, पानी चलता है आंखों में से, सांस लेने में बहुत दिक्कत है, दम घुट रहा है। पोल्यूशन से तो बहुत दिक्कत होती है, आंखों में जलन भी होती है, सांस में भी घुटन होती है, और भी है, बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कत होती है, हम जैसे तो झेल लेते हैं, बच्चों को भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में तो जब पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, सबको घर में रहना चाहिए, बूढ़े बच्चों को। तो दिल्ली में इस समय प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खराब है, और अगर आपके पास कोई जरूरी काम ना हो तो कृपया कर अपने घरों से बाहर ना निकले। तब तक के लिए देखते रहें जनसत्ता।